नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। समाधान यात्रा कार्यक्रम के तहत शनिवार को भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलीगंज स्थित बिहार स्पिनिंग मिल और वृद्धाश्रम का जायजा लिया, जहां लोगों ने गर्मजोशी से सीएम का स्वागत फूल माला और पुष्प गुच्छ देकर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वृद्धाश्रम, सिपेट प्रशासनिक भवन, नवनिर्मित जिला अतिथि गृह, खेल भवन और वेटरा द्वारा बनाए गए आश्रय स्थल के छत पर बने ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं इसके बाद सीएम जगदीशपुर प्रखंड के खिरीवान पंचायत स्थित तीन पूरिया गणेशपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव का भ्रमण कर जीविका दीदियों के अलावे कई विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल को देखा और उसका अवलोकन कर सराहना भी की। इधर गणेशपुर गांव के भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री भागलपुर समीक्षा भवन पहुंचे, जहां सांसद और सातों विधानसभा के विधायक एवं भागलपुर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समाधान यात्रा बिहार के विकास और उन्नति के लिए है, जिसके माध्यम से वो राज्य के हर जिले में जाकर लोगों की परेशानियों को जान रहे हैं, जिससे उसका समाधान किया जा सके। सीएम ने कहा कि आम लोगों को भी जो भी परेशानी है उसे तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है और उम्मीद है कि अपना बिहार स्वस्थ और सुखी बिहार बनाने के साथ जल्द ही विकसित बिहार भी बन सकेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भागलपुर से उनका काफी पुराना संबंध है, इसको देखते हुए भी भागलपुर एवं यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करना उनके सरकार की प्राथमिकता में है। वहीं गंगा में पानी बढ़ जाने से होने वाली बाढ़ की त्रासदी के समाधान के साथ मुख्यमंत्री ने जेपी आंदोलन के दौरान भागलपुर जेल में बिताए गए समय को भी उन्होंने याद किया। वहीं समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी आरएस भट्टी, सांसद अजय मंडल, सभी विधायक, टीआईजी विवेकानंद, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक डीडीसी कुमार अनुराग, नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, एसडीओ धनंजय कुमार, मेयर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर के तिलकामांझी चौक स्थित शहीद तिलकामांझी के स्मारक पर पहुंचे और उन्होंने नमन कर मल्यार्पण किया। साथ ही देश के लिए दिए गए उनके योगदान को याद करते हुए इससे प्रेरणा लेने की बात सीएम ने कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत शनिवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई भवनों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने तीन पुलिया में वृद्ध आश्रम का उद्घाटन किया, जबकि सीएम के कार्यक्रम के दौरान सातवें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर सीटेट के अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया गया। हालांकि समय रहते ही सुरक्षा गार्ड ने हंगामा करने वाले सीटेट अभ्यर्थियों पर काबू कर वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद सीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा लिखित रूप से आवेदन देकर सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की। अभ्यर्थियों ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा नहीं है, क्योंकि अगर यह समाधान यात्रा होती तो उन लोगों की मांग पूरी जरूर हो जाती। साथ ही सीटेट के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर विरोध भी जताया। वहीं चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण स्थिति को संभाल लिया गया। इधर सीटेट अभ्यर्थियों ने कहा कि नीतीश कुमार ने सिर्फ आश्वासन देकर उन लोगों को ठगने का काम किया है और जल्द ही उन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो पटना के डाक बंगला चौराहा को जाम कर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। सातवें चरण के शिक्षक बहाली का मांग लेकर हम लोग आए थे यहाँ पर और बहुत मशक्कत के बाद, प्रशासन के रोकने के बाद, किसी भी प्रकार से हम लोग बहुत मेहनत के बाद ये आवेदन और ज्ञापन लेकर हमने मुख्यमंत्री को खुद अपने हाथ से दिया। उन्होंने आवेदन को पढ़ा और उन्होंने कहा कि हाँ बहाली कर रहे हैं। उनके बगल में जो मंत्री थे अशोक चौधरी जी, उन्होंने कहा कि हाँ आप लोगों की बहाली आ रही है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि समाधान यात्रा में जहाँ जहाँ हमारे संघ के अभ्यर्थी मिले हैं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी ने हर जगह, उनके मंत्रियों ने हर जगह कहा कि हाँ आपकी बहाली आ रही है, लेकिन अभी हम लोगों को ऐसा जमीन पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल्ली और बिहार स्टेट विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसको लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समारोह पूर्वक हुआ। इसका उद्घाटन भागलपुर के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डालसा अध्यक्ष एडीजे प्रथम अरविंद कुमार शर्मा समेत कई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और कई न्यायिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। भागलपुर डालसा के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिले में कुल 26 बेंच बनाए गए, जिसमें से भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में 17 बेंच, नवगछिया कोर्ट में 7 बेंच और कहलगांव कोर्ट के 2 बेंच पर न्यायिक पदाधिकारी और पक्षकारों की मौजूदगी में सुनवाई पूरी की गई। वहीं इस दौरान सुलहनीय आपराधिक मामलों और पारिवारिक विवाद के अलावा बैंक, बीमा, बीएसएनएल,
बिजली विभाग समेत कई विभाग से जुड़े सुलहनीय लंबित मामलों और वादों की सुनवाई न्यायिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के भागलपुर न्याय मंडल में कुल 2716 लंबित मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया, जबकि आपसी सहमति से 13,80,83,915 रुपये की राशि पर समझौता हुआ। शिविर में मोटर दुर्घटना बीमा विवाद के 45 वादों का निष्पादन हुआ, जिसमें 3,99,00,000 रुपये की राशि पर समझौता हुआ, जबकि 872 लंबित आपराधिक सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया गया। BSNL से जुड़े 30 मामलों का निष्पादन हुआ और बिजली से जुड़े 175 मामलों का निष्पादन हुआ। साथ ही बैंक से जुड़े 1572 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें 8,18,51,400 रुपये की राशि पर समझौता हुआ। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी, भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अलग अलग कोर्ट के ADJ, ACJM समेत कई न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता रमन कर्ण के अलावा कोर्ट कर्मी अमित कुमार, तुलिका कुमारी और अनुपम कुमारी के अलावा काफी संख्या में न्यायालय कर्मी एवं विभिन्न जगहों से आए पक्षकार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपनी समाधान यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे, लेकिन इससे कुछ घंटे पहले ही बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम देकर जिला और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे दी। हालांकि लूट की घटना में अपराधियों को पूरी तरह से सफलता नहीं मिल सकी। दरअसल कहलगांव अनुमंडल स्थित केनरा बैंक में शुक्रवार को मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक लूटने का प्रयास किया, लेकिन बैंक के सिक्योरिटी गार्ड कुंदन की तत्परता से अपराधियों को वहां से दुम दबा कर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार बदमाश बैंक पहुंचने पर वहां के सिक्योरिटी गार्ड से किसी मामले को लेकर पूछताछ शुरू कर दी और इसके बाद सीधे मैनेजर के चैंबर में चले गए। वहीं मैनेजर के पास पहुंचते ही अपराधियों ने उस पर पिस्टल तान दिया, जिसकी जानकारी CCTV कैमरे में कैद होने के कारण सिक्योरिटी गार्ड ने आनन फानन में बदमाशों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद बदमाशों ने भी जवाबी फायरिंग की और मौका पाते ही वहां से फरार हो गए। हालांकि इस गोलीबारी की घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। इसको लेकर बैंक मैनेजर विक्रम कुमार ने बताया कि अपराधी उनके चैंबर में बैंक की जानकारी के लिए घुसे थे और अचानक से उन पर पिस्टल तान कर कैश देने की डिमांड करने लगे। तभी इसकी जानकारी सिक्योरिटी गार्ड कुंदन कुमार सिन्हा को मिली और उसने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए अपराधियों पर गोली चला दी, जिसके कारण सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। बता दें कि यह पूरी घटना बैंक में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जबकि जानकारी मिलते मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की छानबीन में जुट गई है। मैं और मेरे ऑफिसर दोनों केबिन में बैठे थे, काम कर रहे थे हम लोग। इसमें एक कस्टमर बनके एक आदमी आया लंबा सा और बोलता सर करेंट कौन को दूंगा। उसका कोई नाम वगैरह नहीं? नाम नहीं, सिद्धार्थ उषा, मास्क लगा हुआ था, नॉन आदमी था। तो पूछा करेंट अकाउंट खुलवाना है, तो लोग बोले कि करेंट अकाउंट काउंटर पर फॉर्म ले लीजिए और फॉर्मेलिटी लेकर पूछ लीजिएगा। इतना होते थे दूसरा भी एक लड़का और घुस गया और मेरे जो ऑफिसर थे उनके कान पर पिस्टल चटा दिया। उस 25-35 में दोनों होना चाहिए मैक्सिमम 40 बार। तो आपको कैसे लगा था, चेहरा कैसे पहचानेंगे? क्या उसका पहना हुआ क्या था? पहना हुआ जैकेट था और बाकी CCTV है अपना। उसके बाद आगे उसका पिस्टल वो निकाला, तब तक हमारे गार्ड साहब ने देख लिया, उन्होंने फायरिंग किया, तब वो लोग भी पीछे निकला है और एक पुरानी गोली और बाहर भी गोली चला उधर से भाग गया। 1:12 पे मैंने देखा केबिन के अंदर दो कस्टमर के रूप में दो गए। उन्होंने अंदर जैसे बता रहे हैं कि बैंक मैनेजर साहब के उन्होंने करंट अकाउंट के बारे में पूछा, लेकिन जस्ट दो मुश्किल से 10 सेकंड के बाद ही देखा एक अफसर है जिनका नाम है दीपक जी, उनके ऊपर एक पिस्टल ताने हुए हैं। उसके जवाबी में मैंने अपना बंदूक से पोजीशन लिया, तब तक मैं वो धरपर में निकले। जैसे ही मैंने फायर किया उन्होंने भी जवाबी में फायर करते हुए बाहर निकल गए। भागलपुर ICTS कार्यालय में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सेविकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि उन लोगों के द्वारा 21 सूत्री मांग सरकार के पास रखी गई थी, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं सेविकाओं ने कहा कि उनकी कार्य अवधि 4 घंटे की है, लेकिन इन लोगों से 8 घंटे से भी अधिक समय तक काम लिया जाता है।
जबकि पल्स पोलियो अभियान समेत अन्य टीकाकरण का कार्य हो या स्वास्थ्य बीमा, जनगणना, विधवा पेंशन के अलावा भी कई तरह के सर्वेक्षण कार्यों में उन लोगों को लगाया जाता है। सेबिकाओं ने कहा कि इन सभी कार्यों को करने के बाद भी सरकार द्वारा उन सभी को मानदेय के रूप में महज 6,000 रुपया ही दिया जाता है, जिसको लेकर वो सभी लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांग रखती रही है, लेकिन सरकार और विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान उन लोगों ने कहा कि आगामी 23 फरवरी को राजधानी पटना में सभी सेविका सहायिका अपने संघ के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करेंगी, जबकि 28 फरवरी को जेल भरो आंदोलन कर सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा। भागलपुर सुल्तानगंज के भिरखूद पंचायत में गांव के सरपंच उदित नारायण मंडल की दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों द्वारा बीती देर शाम साते कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करने पर सरपंच ने मारपीट और गाली गलौज की। वहीं इस मामले में घायल मनोज राम ने थाने में लिखित आवेदन देकर गांव के सरपंच उदित नारायण मंडल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें उनके घर से बुलाकर मुन्ना सिंह के दरवाजे पर उन्हें सादे कागजात पर हस्ताक्षर करने का दबाव सरपंच द्वारा बनाया गया और हस्ताक्षर नहीं करने पर उदित नारायण मंडल ने उनके साथ मारपीट कर जान मारने की धमकी भी दी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। कहां का सरपंच है? ये उधाडी का। क्यों मारा आपको? वो सादा कागज पर दस्तखत करने के लिए बोल रहा था, इस वजह से मैं नहीं कर रहा था। इस वजह से वो बोला क्यों नहीं करेगा, बोले नहीं करेंगे सर, ऐसे हम क्या करें, क्या है नहीं है, तो मारपीट क्या, इसलिए मारने पीटने लगा। से मारा? फाइट से मारा सर। कितना फट मारा? 5-6 फट मारा। भागलपुर सुल्तानगंज के कमरगंज पंचायत में गांव के दबंगों ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस घटना को लेकर घायल महिला सोनी देवी की फुआ ने बताया कि गांव के दबंग विनोद यादव ने जबरन लाठी डंडे से सोनी कुमारी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद गंभीर हालत में सोनी कुमारी को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। हमारा बोला आया इधर थन से बस गया गली में, बोलता है गे तोर भतीजी बाजार कहना जाए छो भैंसुर के साथ, जे हम ओकरा मारबो एरंडी का आ तोरो आबे तोरा काटबो, अभी पहले तोर भतीजी काटे के आबे छियो मारबो तब तोरा मारबो। हमर विनोद मंडल बस हम ना घर में घुसी टटिया बंद करी लेलिए, बस जाके ओकरा घर में घुसी कह लगले कि तोर कहाँ लहरा छो, कलके हमरा लहरा के रूप हुआ तोर घर पहुँच को, कलके घर हमरा यहाँ छके। कौन मारपीट किया? विनोद मारा है, विनोद। और कोई नहीं, विनोद मारा है, सिर्फ बांस से मारा है, मुझे सरकारी बांस है ना, सरकारी बांस, वही बांस घींच के मारा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।